आचार्य चाणक्य जो भारत के महान विद्वानों में से एक थे। चाणक्य ने मानव कल्याण के लिए चाणक्य नीति की रचना की, जिसमें उन्होंने जीवन से जुड़े सभी पहलुओं का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया। साथ ही राजनीति, युद्ध और लोगों के साथ बराबरी बनाए रखने के लिए भी मार्गदर्शन दिया है। आज भी संकट के समय चाणक्य नीति का पालन किया जाता है। चाणक्य नीति एक ऐसी किताब है जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी दूसरे देशों में पढ़ी और पढ़ाई जाती है। यदि कोई व्यक्ति उनकी नीतियों का पालन करता है तो वह जीवन में आने वाली समस्याओं से बच सकता है, साथ ही एक संतुष्ट और सफल जीवन भी व्यतीत कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने अपने नीति शास्त्र में कुछ ऐसे कामों का जिक्र भी किया है जो व्यक्ति को रोजाना सुबह उठकर करने चाहिए अगर वो एक सफल जीवन पाना चाहता है। ऐसा करने से व्यक्ति जीवन में हमेशा नई ऊंचाइयों को छूता है। तो चलिए जानते हैं उन सभी बातों के बारे में जो आचार्य चाणक्य ने बताई है। सबसे पहली बात चाणक्य कहते हैं, सुबह जल्दी उठे और व्यायाम करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि आप तरक्की करना चाहते हैं तो आपको सुबह सूरज निकलने से पूर्व उठ जाना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर अपने सभी कार्यों को समय अनुसार कर लेना चाहिए। आचार्य के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति हमेशा सफल जरूर होता है। चाणक्य जो पुराने भारतीय विचारक थे, उन्होंने सर्वव्यापी स्वास्थ्य को महत्व दिया है और सामान्य स्वास्थ्य के रूप में शारीरिक व्यायाम को महत्व दिया। उन्होंने सलाह दी है कि सुबह के समय में शारीरिक व्यायाम जरूर करना चाहिए ताकि शरीर और दिमाग को सक्रिय बना सके। इसमें योगा आसन का अभ्यास करना, तेज चलना, दौड़ना या साधारण स्ट्रेचिंग व्यायाम को शामिल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का बहाव अच्छा होता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है और आपका स्ट्रेस कम होता है, जिससे मानसिक स्पष्टता को सुधार किया जा सकता है जो आपके दिन के लिए एक सकारात्मक वातावरण तैयार करता है। दूसरा काम जो सुबह जरूर करना चाहिए वो है मेडिटेशन करना। आज के मॉडर्न जीवन में भागदौड़ बहुत है, अपने अंतर की ओर ध्यान देना और अपने आंतरिक अस्तित्व से जुड़ना मुश्किल हो जाता है। चाणक्य ने मानसिक स्पष्टता और अंतर्दृष्टि की महत्वता को पहचाना और विशेषकर दिन की शुरुआत में उसका करना जरूरी बताया। उन्होंने सलाह दी कि सुबह के समय ध्यान और सोच विचार के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। यह शांत समय व्यक्ति को अपने आंतरिक अस्तित्व से जोड़ने, अपने लक्ष्यों और आशाओं पर विचार करने और आंतरिक शांति और उसे अनुभव करने की अनुमति देता है। एक शांत दिमाग से दिन की शुरुआत करने से व्यक्ति आगे के चैलेंजेस को और आने वाली अपॉर्चुनिटीज को बेहतर तरीके से संभाल सकता है। तीसरी बात चाणक्य कहते हैं, रोजाना कठिन प्रयास करें। जीवन में सफलता पाने के लिए हमेशा कठिन प्रयास करते रहना चाहिए। इसी पर आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति मेहनत करने से नहीं डरता उसे धन की कभी कमी नहीं होती। इसलिए रोजाना जल्दी उठकर अपने व्यवसाय पर ध्यान लगाना चाहिए या फिर जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस पर जोर देना चाहिए। चौथी बात चाणक्य कहते हैं, आलस को त्याग दें। आलस्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है। यदि व्यक्ति कुशल है परंतु उसके अंदर आलस से भरा हुआ है तो उसका कौशल व्यर्थ हो जाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जीवन में आलस का त्याग कर देना चाहिए, तभी सफलता के मार्ग खुल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कृपया कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्र साइनिंग ऑफ।